चलिए बढ़ते हैं आगे। पीएम मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर देश को संबोधित किया है और इस दौरान पीएम मोदी ने सभी को जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही पीएम संबोधित करते हुए कहा कि पूरा देश बिरसा मुंडा की जयंती मना रहा है, मैं भी भगवान बिरसा मुंडा को नमन करता हूँ। वहीं पीएम ने कहा है कि जनजातीय समाज का योगदान अतुलनीय है, जनजातीय समाज ने अंग्रेजों को भी धूल चटाई थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में आदिवासियों को केंद्र सरकार की हर योजना का लाभ मिला और इन योजनाओं के आदिवासियों का जीवन भी आसान हुआ है। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जोहार। आज पूरा देश श्रद्धा और सम्मान के साथ भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती मना रहा है। मैं देश के महान सपूत, महान क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा को आदरपूर्वक नमन करता हूं। 15 नवंबर की यह तारीख भारत की आदिवासी परंपरा के गौरवगान का एक विशेष दिन है। मैं इसे अपनी सरकार का सौभाग्य मानता हूं कि उसे 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने का सौभाग्य मिला। साथियों, भगवान बिरसा मुंडा केवल हमारी राजनीतिक आजादी के महानायक थे, इतना ही नहीं है, वो हमारी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक ऊर्जा के संवाहक भी थे। आज आजादी के पंच प्राणों की ऊर्जा के साथ देश भगवान बिरसा मुंडा समेत करोड़ों जनजातीय वीरों के सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जनजातीय गौरव दिवस के जरिए देश की जनजातीय विरासत पर गर्व और आदिवासी समाज के विकास का संकल्प इसी ऊर्जा का हिस्सा है। साथियों, भारत के जनजातीय समाज ने अंग्रेजों को, विदेशी शासकों को, विदेशी ताकतों को दिखा दिया था कि उनका सामर्थ्य क्या है। हमें गर्व है, संथाल में तिलका मांझी के नेतृत्व में लड़े गए दामिन संग्राम पर। हमें गर्व है बुद्धू भगत के नेतृत्व में चले लड़का आंदोलन पर। हमें गर्व है सिद्धू काना क्रांति पर। हमें गर्व है ताना भगत आंदोलन पर। हमें गर्व है बेगड़ा भीख आंदोलन पर। हमें गर्व है नायकड़ा आंदोलन पर, संत जोरिया परमेश्वर और रूप सिंह नायक पर। हमें गर्व है लिमड़ी दाहोद में अंग्रेजों को धूल चटा देने वाले आदिवासी वीरों पर। हमें गर्व है मानगढ़ का मान बढ़ाने वाले गोविंद गुरु जी पर। हमें गर्व है अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में चले रंपा आंदोलन पर। ऐसे कितने ही आंदोलनों से भारत की ये धरती और पवित्र हुई और चेतनवंत हुई। ऐसे कितने ही आदिवासी सुरवीरों के बलिदानों ने मां भारती की रक्षा की। ये मेरा सौभाग्य है कि पिछले वर्ष आज के ही दिन रांची के बिरसा मुंडा संग्रहालय को
देश को समर्पित करने का अवसर मिला था। आज भारत देश के विभिन्न क्षेत्रों में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित ऐसे ही अनेक म्यूजियम बना रहा है। साथियों, पिछले 8 वर्षों में हमारे जनजातीय भाई बहन देश की हर योजना के, हर प्रयास के प्रेरणा भी रहे हैं और आरंभ में उनका स्थान भी रहा है। जनधन से लेकर गोवर्धन तक, वनधन विकास केंद्र से लेकर वनधन स्वयं सहायता समूह तक, स्वच्छ भारत मिशन से लेकर जल जीवन मिशन तक, पीएम आवास योजना से लेकर उज्ज्वला के गैस कनेक्शन तक, मातृत्व वंदना योजना से लेकर पोषण के लिए राष्ट्रीय अभियान तक, ग्रामीण सड़क योजना से लेकर मोबाइल कनेक्टिविटी तक, एकलव्य स्कूलों से लेकर आदिवासी यूनिवर्सिटी तक, बांस से जुड़े दशकों पुराने कानून के बदलने से लेकर करीब करीब 90 वन उपजों पर एमएसपी तक, सिकल सेल एनीमिया के निवारण से लेकर ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट तक, कोरोना की मुफ्त वैक्सीन से लेकर अनेक जानलेवा बीमारियों से बचाने वाले मिशन इंद्रधनुष तक, केंद्र सरकार की योजनाओं से देश के करोड़ों आदिवासी परिवारों का जीवन आसान हुआ, उन्हें देश में हो रहे विकास का लाभ मिला। साथियों, आदिवासी समाज में शौर्य भी है, प्रकृति के साथ सहजीवन और समावेश भी है। इस भव्य विरासत से सीखकर भारत को अपने भविष्य को आकार देना है। मुझे विश्वास है जनजातीय गौरव दिवस इस दिशा में हमारे लिए एक अवसर बनेगा, एक माध्यम बनेगा। इसी संकल्प के साथ मैं एक बार फिर भगवान बिरसा मुंडा और कोटि कोटि आदिवासी वीर वीरांगनाओं के चरणों में आदरपूर्वक श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आप सबको आज इस विशेष दिवस पर अनेक अनेक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।